ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਲੋਗੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਨਿਯਮੋ ਕੀ ਉੜਾਈ ਧੱਜੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਗੰਜ ਥਾਨਾ ਕ੍ਸ਼ੇਤਰ ਕੇ ਪਥੌਲੀ ਇਲਾਕੇ ਕਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੋ ਹਰਸ਼ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁਆ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਸੇ ਆਪਕੋ ਖਬਰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेता के भाई की शादी में फायरिंग की गई है। और यह हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। आप साफ देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि बीजेपी नेता के भाई की शादी में यह फायरिंग की गई है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, ये साफ नजर आ रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही रोक लगा दिया था कि किसी भी शादी समारोह में फायरिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि किसी को भी गोली लग सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए। जी अजेंद्र, तो बीजेपी के भाई की शादी में सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, किसी को भी गोली लग सकती थी इस फायरिंग के दौरान, कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, कार्रवाई की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जिसकी रिवॉल्वर से फायरिंग की गई है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता के भाई की यहाँ शादी थी जहाँ ये हर्ष फायरिंग हुई है। बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। अगर इस तरह का हर्ष फायरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कई जाने जा चुकी हैं अभी तक देखा जाए तो, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसमें हर्ष फायरिंग पर रोक लगा दी गई। जांच होनी चाहिए, इस व्यक्ति की जांच होने के बाद उनका लाइसेंस कैंसिलेशन होना चाहिए और देखने वाली बात होगी कि कब तक आखिर पुलिस ये कार्रवाई कर पाएगी। जी, क्या ये जो फायरिंग हुई है इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही रोक लगा दिया था कि इस तरीके की फायरिंग, और बीजेपी के भाई की शादी उसमें इस तरीके की हरकतें नजर आ रही हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता में व्यक्ति है, सत्ता में जो नेता है, नेता के भाई की शादी है तो इस बात का बेखौफ होंगे कि पुलिस हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई कही जाए करेगी। और कहीं ना कहीं लोगों का मानना यही है कि इस तरह की फायरिंग समाज में एक गलत चीज है, लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि वहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि और भी लोग वहां पर खड़े हुए हैं, उसके बाद वहां फायरिंग हो रही है। तो जान से खिलवाड़ भी इस बात को माना जा सकता है कि लोगों की जान से खिलवाड़ यहाँ हो रहा है और तस्वीरें इसकी वायरल हो रही है। जी शुक्रिया अजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो अजेंद्र हमारे साथ जुड़े थे। बीजेपी के भाई की शादी में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही रोक लगा दिया था।